रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें एक रिट की गई थी कि वकला जो हैं बहुत सारे जो कि मुतलका कवानीन जो हैं जिसके तहत उनके लाइसेंस बनवाए जाते हैं उनको लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल, अब उसके तहत उसमें फाल नहीं करते, एलिजिबल नहीं है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की गई थी, उस रिट में लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया और डायरेक्शन दी कि वकला की स्क्रूटनी की जाए, उनका रिकॉर्ड को चेक किया जाए कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है उनको डिसक्वालीफाई किया जाए। तो उसमें उसी हुक्म के ताबे एडवोकेट जनरल पंजाब उनके हुक्म से कमेटी कायम की गई, जिस कमेटी ने 1 साल के केसेस को देखा, ये देखें यहाँ लिखा, और 1 साल के केसेस को देखा तो उसमें 3,000 से ज़्यादा जो वकला हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको उनके नाम को डिलीट करने का हुक्म दिया गया। अब ये नोट आपको देखें, अगर ये आपको वो लेटर नज़र आ रहा है, टू द सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल, इशूस ऑफ फाइनल वोटर लिस्ट अंडर पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन। अब इसमें देखें कि ये लिखा हुआ है लेटर डेटेड 10/9/2020, 10/9/2020 को एक लेटर जारी किया गया है एडवोकेट जनरल की तरफ से जो कि पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी रिट पिटीशन नंबर ये है 23531/2020, इसमें हुक्म ये दिया था कि 1 साल के जो वोटर हैं 1/10/2019 से 15/9/2020 तकरीबन 1 साल के अरसे में जो लोग रजिस्टर्ड हुए, लाइसेंस इशू किए गए, उनकी स्क्रूटनी की जाए, उनका रिकॉर्ड को चेक किया जाए। तो जब रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता ये चला कि उसमें तकरीबन, ये देखें, इट इज़ नोटेड दैट 3490 तकरीबन 3,500 वोटर जो हैं उनको डिलीट करने का हुक्म दिया गया है, बीन डिलीटेड बीइंग नॉट क्वालिफाइंग अंडर द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट, ये लिखा हुआ एडवोकेट जनरल पंजाब चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस 1 साल के दौरान अगर इतने वोटर हैं तो अगर तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो क्या सूरत हाल होगी। तो ये बड़ा ही मतलब एक अहम मामला था जो आपके साथ शेयर करना था। तो लिहाजा आप कभी भी अपने कानूनी मामला हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तो जिस तरह हर फील्ड में जालसाजी है, हर जगह कोई ना कोई बंदे मौजूद हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, तो पूरी तसल्ली करके उसके बाद ही अपने लीगल मामलों को डील किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि